हेलो क्लास सिक्स। तो जीके वर्ल्ड बुक में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है डाइकॉट्स। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 6 मोनोकॉट्स पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइकॉट्स के बारे में। तो हमने चैप्टर 6 में ही मोनोकॉट क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है बता दिया था, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। तो मोनोकॉट का मतलब होता है सिंगल सीड वाले प्लांट्स, और डाइकॉट्स का मतलब होता है ऐसे सीड जिनके पास दो कॉटिलेडन्स हों। ठीक है, मोनोकॉट्स में क्या था, ऐसे सीड जिनके पास सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन होता है उनको हम मोनोकॉट सीड कहते हैं, और डाइकॉट सीड में क्या होता है, ऐसे सीड जिनके पास दो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट सीड्स कहते हैं। एग्जांपल भी मैंने बताया था कि मोनोकॉट्स में जैसे आप वीट देख लीजिए, कॉर्न देख लीजिए, राइस देख लीजिए, बाम्बू, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, ये सब क्या है, मोनोकॉट सीड्स हैं। लेकिन डाइकॉट सीड्स में मैंने बताया था क्या, डाइकॉट सीड्स में दो कॉटिलेडन्स, इसके एग्जांपल पी, बीन्स, पीनट, टोमेटो, मिंट, मैंगो, ये सब क्या है, एलमंड, ये सब क्या था, ये सब था तुम्हारा डाइकॉट सीड्स के बारे में। ठीक है, तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स जिनके पास जो है दो कॉटिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉट्स कहते हैं। और डाइकॉट बता दें, डाइकॉट जो है वो मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फैमिलीज, यानी कि बहुत प्लांट फैमिली में सबसे अधिक जिनकी संख्या है वो है डाइकॉट प्लांट्स की। ठीक है, तो चलिए आइए अपने इस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में दो क्वेश्चन है, ए बी। तो ए में आपको क्या करना है, ए में कुछ फिगर्स दिया हुआ है और आपको उन फिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनका नाम लिखना है। ठीक है, पहचानना है, नाम लिखना है। तो फर्स्ट फिगर देखिए, फर्स्ट फिगर तो एकदम क्लियर है भाई, ये तो है आपका पी, पी प्लांट, मटर का पौधा है भाई, पी प्लांट। सेकंड देखो क्या है, सेकंड जो है ये ध्यान से देखोगे तो किडनी बीन का है ये। ठीक है, दैट मीन्स किडनी बीन, वही बीन प्लांट का ये पौधा है, बीन प्लांट का पौधा है, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर ये जो है पीच प्लांट है, पीच देख रहे हो ना, फल इसका फ्रूट देख के ही समझ में आ जाए कि ये पीच है, पीच प्लांट है। फोर्थ नंबर देखो बाबा, फोर्थ नंबर तो कौन नहीं जानता भाई, फोर्थ नंबर तो आंख बंद करके तुम लोग बता दोगे कि सर ये तो मैंगो का प्लांट है, ये क्या है भाई, मैंगो का प्लांट है, मैंगो प्लांट। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर देखो थोड़ा ध्यान से देखो तो ये आपको दिख रहा है किसका, ग्राम, ग्राम प्लांट है ये। ठीक है, ग्राम प्लांट फिफ्थ नंबर। सिक्स देखिए, सिक्स को भी थोड़ा ध्यान से देखिए, सिक्स जो है वो आपका है एलमंड प्लांट, किसका है भाई ये, एलमंड प्लांट। तो क्वेश्चन ए में आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये कौन कौन से प्लांट्स हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, बी क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब आंसर को टिक करना है, जो स्टेटमेंट है मतलब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉट, इसमें से कौन सा डाइकॉट है, डाइकॉट प्लांट है, वीट है, ऑनियन है, ग्राम, तीन ऑप्शन है बताइए भाई, वीट है कि ऑनियन है कि ग्रास है, क्या है बताइए। तो वीट एग्जाम्पल हमने दिया था मोनोकॉट सीड का, क्या वीट, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, कॉर्न, राइस, ये सब मोनोकॉट्स हैं, लेकिन इसमें पूछा डाइकॉट, तो वीट और ऑनियन जो है ये तो सिंगल सीड में हो जाएगा, यानी कि मोनोकॉट्स हो जाएगा, सिंगल कॉटिलेडन वाले। अब बचा क्या, बचा ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा, चना की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा डाइकॉट। सेकंड देखो, द रूट टाइप ऑफ द डाइकॉटिलेडनस प्लांट इज, क्या है भाई, द रूट टाइप ऑफ डाइकॉटिलेडनस प्लांट, इन प्लांट का जो रूट, रूट कैसा होता है, टैप रूट, एडवेंटियस रूट, बोथ ए एंड बी, देख लो भाई, टैप रूट है कि एडवेंटियस रूट है कि या दोनों है। तो देखो टैप रूट जो है वो अंदर, मतलब क्या देख रहे हो ना, ये पूरा फैलता है। ठीक है, टैप रूट मतलब फैलता नहीं है, वो फाइब्रस रूट हो जाता है, सीधा जाएगा, देख रहे हो ये क्या कह रहा है, सीधा जा रहा है, तो ये टैप रूट में आ गया। और एडवेंटियस रूट क्या होता है, एडवेंटियस रूट क्या होता है, जैसे तने में से निकल जाना या कहीं से, मतलब रूट जो है निकल जाना, ब्रांच में से ही रूट निकल गया, तो ये एडवेंटियस रूट में आ जाता है। तो एडवेंटियस रूट पाया जाता है मोनोकॉट्स में और टैप रूट पाया जाता है आपका डाइकॉटिलेडनस प्लांट में। ठीक है, तो इसका आंसर टैप रूट हो जाएगा। थर्ड नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइकॉट, इसमें से कौन सा डाइकॉट नहीं है, डाइकॉट नहीं है ये बताना है।
तो पी पी हमको पता है, पी तो भाई डाइकॉट है, किडनी बीन्स, किडनी बीन्स ये भी डाइकॉट है भाई, तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। कोकोनट की बात कर रहा है, कोकोनट यानी नारियल की बात कर रहा है, तो कोकोनट क्या है, कोकोनट क्या हो जाएगा, कोकोनट क्या हो जाएगा, कोकोनट मोनोकॉट हो जाएगा। तो इसमें पूछा है क्या, इसमें से कौन सा डाइकॉट नहीं है, तो कोकोनट डाइकॉट नहीं है। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट, इसमें से कौन सा मोनोकॉट है ये बताना है। मोनोकॉट मतलब सिंगल सीट की बात कर रहा है, सिंगल कॉटिलेडन वाली सीट की बात कर रहा है, तो कॉर्न, ग्राम, पीज, तो ये तो भाई एकदम समझ में आ रहा होगा, कॉर्न, इसके पहले भी हमने एग्जांपल दिया था कॉर्न, तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, मोनोकॉट प्लांट हो जाएगा, क्योंकि ग्राम और पीज तो डाइकॉट है। फिफ्थ नंबर देखो, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द सीड्स ऑफ अ डाइकॉट, जर्मिनेशन, जब जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जब उसमें से पौधा निकलता है, ठीक है, छोटा सा पौधा निकलता है तो क्या होता है, जर्मिनेशन के समय क्या होता है। पहला, इज डिवाइडेड इंटू टू सेपरेट पार्ट्स, जो सीड है वो दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दूसरा, चेंजेस इंटू रूट इमिडिएटली, या वो रूट में बदल जाता है तुरंत, जड़ में बदल जाता है तुरंत। तो देखो देखो सिंपल बता दें, जो भी डाइकॉट सीड्स होती हैं इसमें क्या होता है, जब भी जर्मिनेशन होता है यानी जब पौधा बाहर निकलता है, तो जो सीड है ना, सीड बीज, इनके जो कॉटिलेडन्स है इनके ही बीज से देखो निकलता है, तो ये क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, डिवाइडेड इंटू टू सेपरेट पार्ट्स, दो अलग, पहले तो एक में ही रहता है ना, लेकिन जैसे जैसे ये आगे जर्मिनेशन यानी ग्रोथ होता है इसका, वैसे क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए इज द करेक्ट आंसर, राइट हो जाएगा, इज डिवाइडेड इंटू टू सेपरेट पार्ट्स। सिक्स देखो, पल्सेस, पल्सेस की बात कर रहा है भाई, पल्सेस मतलब जितने भी दाल वगैरह हो गए, दालों की बात कर रहा है, तो पल्सेस आर, पल्सेस क्या है भाई, डाइकॉट्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, कि जिम्नोस्पर्म हैं, तो हमें बताना है पल्सेस क्या है। पल्सेस दालों की बात कर रहा है, तो तुम चना की दाल देख लो, चना ही देख लो, अभी हमने पढ़ा चना क्या है, डाइकॉट है, तो चना की दाल देख लो, मूंग की दाल देख लो, मतलब दालें जो भी हैं वो क्या हो जाएंगी, वो डाइकॉट्स हो जाएंगी। सिंपल, दालें क्या हो जाएंगी, डाइकॉट्स हो जाएंगी। आइए सेवन नंबर पे, वीट इज अ वीट, वीट क्या है, ये तो आराम से बता दो कि भाई वीट क्या है, वीट, वीट क्या है, मोनोकॉट है, वीट क्या है, मोनोकॉट है, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है तुमको, तो जिम्नोस्पर्म, मोनोकॉट, डाइकॉट ऑप्शन दिया है, तो ऐसे ही बता दोगे वीट क्या है, वीट है मोनोकॉट, क्लियर। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है, चैप्टर नंबर 7 डाइकॉट्स का, हमने बहुत अच्छे से ए और बी दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। एक और चीज़ जानिए, कह रहा है कि जो फ्लावर होता है ना डाइकॉट प्लांट्स का, जो फ्लावर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल मतलब एक समान होता है सब, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, पंखुड़ियाँ पेटल्स, वो एक जैसी होती हैं, एक जैसी मतलब समान होती हैं, सिमेट्रिकल होती हैं, और इवन नंबर में पाई जाती हैं, मतलब जो पंखुड़ियाँ हैं ना वो इवन नंबर्स में पाई जाती हैं, ठीक। इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें, मोनोकॉट में, मोनोकॉट में जो पंखुड़ियाँ हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो क्या है, ऑड नंबर्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो भैया कंप्लीट करिएगा चैप्टर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, जय हिंद।